अस्सलाम वालेकुम टू एन अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आज इफ्तारी कर रही हूँ अपने सिस्टर की। और अभी आप मेरे किचन की हालत चेक करेंगे, मेरा ही किचन है जाना पहचाना, जिसको आप देखते रहते हैं सेम इतने मैस के साथ, ये सारा मैस आप हर डे हर रोज ही देखते हैं। अच्छा जी, अभी सीन ये है कि मैंने सफाई कर ली है, मैं गई थी अम्मी लोग की तरफ सुबह क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों को वहीं पे छोड़ आई, उन्हीं की इफ्तारी की है, तो वो लोग आते होंगे थोड़ी देर बाद। और जो है अब बनाने हैं हमने बिरयानी और चीज़ें बनानी, जो जो कुछ भी रेडी करना सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और ये चेक कर लें तो सब सारे क्लटर को जो है ना वो हम अभी सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ऑलमोस्ट सारा जो है वो क्लैटर हो गया है। अब करना ये है कि यहाँ पर मैंने बनानी है स्पेशल एक चिकन पकौड़ा, उसकी स्पेशल रेसिपी है जो मैंने पहले बहुत सारी दफ़ा आपसे शेयर कर ली है, तो उसमें कुछ खास नहीं है, वो आपसे शेयर जो है ना इस दफ़ा नहीं करूँगी। और साथ में बना रही हूँ पुलाव, और इसको जो है वो मैंने डीप फ्रोज कर लिया है, और अब मैंने इसको जो है ना ये सारे के सारे मेरे पास पड़े हुए हैं हॉट विंग्स, पड़े हुए हॉट विंग्स बनाएंगे। और इसके लिए जो है वो यहाँ कुछ मेरे पास लेग पीसेस भी हैं, और देखते हैं कि अब क्या करते हैं इनका। अब जल्दी से बनानी है कढ़ाई, सॉरी पुलाव, और साथ में हम लोग कर रहे हैं अब ये जो लेग पीस हैं इनको निकाल देते हैं, क्योंकि लेग पीस अभी हम नहीं बना रहे हैं, तो ये जो है लेग पीस निकाल दिए, बाकी मेरे पास पड़े हुए हैं सारे, कभी जल्दी से इनको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर बन रहा है जी जूस, और मैंने यहाँ पर रखी है हमारी कढ़ाई और फ्राई पैन, सॉरी। और अब हम जल्दी से जूस जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि टाइम पीछे कुछ मिनट्स का ही रह गया है और अभी तक कुछ भी रेडी नहीं है। राइस आपके सामने ये पड़े हुए हैं, प्याज कटिंग करके रखे हुए हैं अम्मी ने, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अब जल्दी से जो है वो राइस तो मैं अब अफ्तारी के बाद ही बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले अफ्तारी का सामान बना लूँ, वो सब कुछ लेने गए था दो तीन चीज़ें, और बाकी यहाँ पर चिकन पकौड़ा है वो मैं बनाने लगी हूँ। तो जल्दी से जो है ना पहले जूस बना के रख लेती हूँ, जूस फिर मिलशे, ये दो चीज़ें जो है वो रख लेती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना सासा यहाँ पर फ्राई करती हूँ, इसमें और डालते हैं हम जल्दी से जो है। वैसे मैं चम्मच के साथ करती हूँ, फिंगर के साथ ही कर रही हूँ जल्दी के अंदर। अभी इसमें जा रहा है जिंजा मशीरी, और इसका कलर चेंज होता है, चेक कीजिए। ये जो है अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे क्या नायदा को बहुत अच्छी लगती है, उसको मैं मतलब शेक करते जब डाल लेती हूँ तो इतना खूबसूरत पिंकी पिंकी, वो रेड से पिंक, वाइट से रेड, रेड से पिंक, फिर जो शेड आते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं। और ये हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है, और मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर दी है, और अब जो है वो हमें करना है ये कैब इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर, और फिर देन हम जो है बनाते हैं अपने मिल्क शेक को। और मुझे इसका कैप मिल गया है, अब यहाँ ये बर्तन भी धोने वाला पड़ा हुआ है, तो जल्दी से इसको जो है वो रख देते हैं इस तरीके से। शुक्र है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं तो फिर भी काम हो रहा है। और यहाँ पर कैचअप क्या कर रही है, तो चल जा मैंने रख दिया है, और अब ये निकाल रही हूँ यहाँ पानी, इससे भी इतना सा जो ठंडा है इसको भी जल्दी ठंडा करते हैं पानी को भी, और करके वो भी इसके अंदर डालती हूँ, फिर वो भी रखते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं, और सारी का टाइम भी तकरीबन एक आधा मिनट रह गया, और जल्दी से मैं अब रख रही हूँ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैंने इसलिए सुशो कहा कि अब तुम, अब वो लोग आ गए, तो मैंने कहा जो है ना अनु जल्दी से वीडियो बना लो। तो यहाँ पर ये जो रोज समोसे और छोटे समोसे जो होते हैं कीमे वाले, ये लेके आए थे ज़ाहद, और साथ में दही भले और क्रीम, ये सब कुछ ज़ाहद लेके आए थे, और ये जो रोल हैं ये बनाए थे सिस्टर ने, तो ये वो बना के लेके आई थी साथ अपने, और उसके अलावा जो है मैंने तो वो चिकन का बनाया था, कुछ भी खास नहीं किया। और यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको दोबारा से कि सारी चीज़ें जो रख ली थी, और बाकी बर्तन और रख रह गए, तो फिर सब अफ्तारी करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो अफ्तारी का हो गया था। यहाँ पर दाल फीलिंग कर रहे थे खजूरों में बटर की, और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है ये, जिनको नहीं पता वो तो खाएँगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सब खाना खा रहे थे माशाल्लाह से, सब फैमिली नीचे से भी, मैंने अपने जेठ और जेठानी उनकी फैमिली को भी बुला लिया था, और अम्मी भी साथ ही, इतना अच्छा लगा, सब इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे, और बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे थे, तो ये इस तरह का जो है ना वो माहौल बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की कंपनी बहुत अच्छी लगती है कि सब इकट्ठे हों और गपशप लग रही हों और अफ्तारी कर रहे हों और खाना खा रहे हों। मोमो बॉइल कर रही हूँ दूध को, और उसके अलावा जो है मैं देख रहे हैं
कुछ सिस्टर जो है वो बर्तन हो गई थी मेरे साथ राइस बनाने से, लेकिन राइस जो है वो उसने वो कहते हम लोग नहीं खाने, अफ्तारी के बाद गुंजाइश ही नहीं राइस की, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बनाए। तो फिर अब यही खाएंगे हम लोग, दही भले मैं खा रही हूँ, समोसे वगैरह पड़े हुए हैं रोल, हल्का भूख लगी तो खा लेंगे। और अभी दूध उबर है, मैं दूध उबालती हूँ और बच्चों के साथ देखती हूँ, थोड़ा खेल खुल के फिर गुस्साती हूँ, टाइम से सुनाना है नहीं तो डेली हल्के 2 बजे आती हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं इनको सुला दूँ, फरार सो गई थी अनायजा ने, अनायजा सोई भी नहीं और इसको बिठा दिया। फिर मैंने कहा कि अब सारा कुछ छोड़ो, अभी उठी तो हुई हैं तो मैं कपड़े जो है ना वो आयरन कर ले बच्चों को, ये सारे पड़े हुए उनसे आधे हो गए, आधे ज़्यादा हो गए हैं, और जैसे करके ये रखा हुआ है, ये कर रही हूँ, एक वहाँ पर हैंग किया हुआ है, हैंगर लगा लगा के वहाँ रख रही हूँ, कुछ वहाँ से मैंने अंदर भी रख दिए हैं, तो इसी तरह चल रहा है, बच्चों कार्टून लगा के दिए हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। और यहाँ पर वीडियो को एंड करते हुए बहुत सारा रखेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और राइस मैंने नहीं बनाए थे, उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे बस अफ्तारी में, हमने अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं होती तो वो कह रहे थे कि ना बनाएं, क्योंकि बनाने वाले थे, तो मैंने कहा था कि आप ना ऐसा करें वेट कर लें, यानी कि अफ्तारी कर लें, तो मैं फिर साथ ही राइस रख लेती हूँ। तो मैं रखने लगी थी राइस, यानी कि बनाने लगी थी, तो मना कर दिया, वो कहती नहीं आप राइस जो है वो ना बनाएं क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। तो इस तरह से फिर मैंने नहीं बनाया और ना ही मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है, तो उसके लिए माजरत की मैंने कहा था और मैंने नहीं किए हैं, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर, कल बनाने का इरादा है इंशाल्लाह, अगर बनाऊंगी तो फिर आप लोगों से मैं जो है ना वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो फिर वीडियो एडिट करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा, और कुछ भी नहीं, अल्लाह हाफिज़।